आवाज तो पूरी दिल्ली जो है अपनी बुलंद कर रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। 5-7 लोग भी होते हैं तो उनको पकड़ के जो है डिटेन कर देते हैं, बसों में बिठा देते हैं। कैसे किस आदमी के बयान पर इन लोगों ने केजरीवाल जी को जो है बनाया है एक्यूज। उन्होंने आम लोगों की सोची, अपना कैरियर तक छोड़ दिया। उन्होंने फ्री पानी दिया, बिजली दिया, हेल्थ केयर फैसिलिटी। देखिए, हम लोग तो रुकेंगे नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे और इसका जवाब जनता देगी। ये तो अब बच्चों वाली बात हो गई, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको बता देगा कि ईडी जो है वो उनके कहने पर वो एक बीजेपी पार्टी के वर्कर की तरह काम कर रही है। उन्हीं नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है वो तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। देखा जाए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो पुतला था उसका दहन भी करते हुए नजर आए थे और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग रोड्स पे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रिहाई नहीं, 100 करोड़ की घपले का इल्जाम यहाँ पर ईडी लगाती नजर आई है। तो तमाम लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे कि देखा जाए पीएमओ ऑफिस आज घेरना था लेकिन उससे पहले डिटेन यहाँ पर लोगों को कर लिया गया, किस तरीके से आप लोग अपनी आवाज रखेंगे। देखिए, आवाज तो पूरी दिल्ली जो है अपनी बुलंद कर रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। ये अपनी तानाशाही का एक और सबूत दे रहे हैं। हम लोग सभी शांतिप्रिय तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहते थे। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था हम लोग आएंगे, हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। पीएमओ पे जाना चाहते थे, हमें यही रोक लिया गया है। 5-7 लोग भी होते हैं तो उनको पकड़ के जो है डिटेन कर लेते हैं, बसों में बिठा लेते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं तो हम मारेंगे, भागो यहाँ से। तो इस तरह से जो तानाशाही ये कर रहे हैं, जनता देख रही है, पब्लिक सब जानती है, ये आम जनता भी देख रही है कि कैसे ये लोग जो हैं केजरीवाल को फंसा रहे हैं बिना किसी कारण के। जनता इनका पुरजोर जवाब दे। देखा जाए ईडी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाती नजर आई कि 100 करोड़ का घपला है, ये ईडी का साफ तौर पर कहना है। तो आपसे भी बात करेंगे, ईडी का इल्ज़ाम जो है तो अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ईडी यहाँ पर लगातार इल्जाम लगा रही है। भाजपा का कहना है कि कार्रवाई ईडी की है, भाजपा की नहीं। ये तो अब बच्चों वाली बात हो गई, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको बता देगा कि ईडी जो है वो उनके कहने पर वो एक बीजेपी पार्टी के वर्कर की तरह काम कर रही है, उन्हीं के एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जो व्यक्ति, जो पॉलिटिशियन ज़्यादा मजबूत होता है केजरीवाल से, क्योंकि डरते हैं ये लोग, तो उसको पहले तो डराया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, उनको ईडी का जो है डरावा दिया जाता है। जैसे अजीत पवार, छगन भुजवल जो डर गए, उनको अपने में शामिल कर देते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, वो मोदी जी की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। और जो हमारी पार्टी के लोग हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं, ये सब लोग जो बहादुर हैं और जो बिल्कुल नहीं इनकी बातों के आगे झुकते, उनको जेल में डाल देते हैं। बड़ी साफ बात है ये तो। और आपने देखा होगा कैसे किस आदमी के बयान पर इन लोगों ने केजरीवाल जी को जो है बनाया है एक्यूज। सारथ चंद्र रेड्डी, वो आदमी को पहले कहते थे किंग पिन है, ठीक है, वही सब करता धरता, उसको ईडी उठा के ले गई। उसके बाद उसको डराया धमकाया गया कोर्ट अंदर जाके, ईडी में, वो कोर्ट में जाके उसने बयान दिया कि मुझ पर ये लोग फोर्स कर रहे हैं मुझे ये केजरीवाल के खिलाफ बयान देने को, और वो नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसको दोबारा डाल दिया गया और उसको इतना तंग किया गया कि अल्टीमेटली उसने केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। फिर उसने इनको 34.5 करोड़ रुपया जो है वो बॉन्ड दिए, चंदा दिया, तो उसके बाद उनको रिलीज़ भी कर दिया गया, ये कह के ईडी ने कोर्ट से जमानत भी दिलवा दी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं की कि उनकी पीठ में दर्द है, बताइए ये कारण दिया, पीठ में दर्द है, और वो जो है वो सरकारी गवाह बन गए। ऐसे व्यक्ति को जिसको डरा के धमका के कहा जाए कि आप केजरीवाल के खिलाफ बयान दो नहीं तो आपको ईडी छोड़ेगी नहीं, उस व्यक्ति के बयान पर आप केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रहे हो। ईडी क्या कर रही है हम सब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है। समझाने की जरूरत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनावों की तरफ ध्यान ना रहे आम आदमी पार्टी का और साजिश के तहत यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, तो सच्चाई है उस बात में? सच्चाई है, लेकिन बड़ी गलतफहमी में है वो। उन्होंने सबसे बड़ा एजेंडा दे दिया है। केजरीवाल जी को जनता बहुत प्यार करती है, ये वो व्यक्ति है जिसने महज 10 साल के अंदर 2 स्टेट्स को जीत लिया है और जिसने फ्री उनका कसूर क्या है मुझे बताइए, उनका कसूर क्या है? वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, वो केजरीवाल जी को थ्रेट हैं। उन्होंने आम लोगों की सोची, अपना कैरियर तक छोड़ दिया, उन्होंने फ्री पानी दिया, बिजली दिया, हेल्थ केयर फैसिलिटी। फ्री देना ही कहीं ना कहीं उनकी गलती हो सकती है क्योंकि फ्री की रेवड़ी बार बार कहा जाता है भाजपा की तरफ। फ्री की रेवड़ी हमें कह रहे हैं,
हम लोगों ने तो जो ये आम सुविधाएं होती हैं ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें भी ये है कि ये हमारा आम जनता का अधिकार है, ये सारी फैसिलिटीज़ बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो आम जनता को मिलनी चाहिए, चाहे पानी हो, बिजली हो, हेल्थ फैसिलिटीज़। आप विदेशों में भी देखिए सबको मिलती है, ये कोई गलत चीज़ नहीं थी जो वो कर रहे थे। लेकिन अब तो ये हमसे भी ज़्यादा नकल कर रहे हैं, ये तो कभी कुछ हज़ारों रुपए कहीं दे देते हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, वो भी उन चीज़ों पर जो बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया था सोशल वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने, जो दिया था कि आम जनता को उसके जीने की जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है वो मिलनी चाहिए। अब इनको समझ आया है कि ये जो है हमारा कर्तव्य था और हमने पूरा नहीं किया। तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनी जाएगी आप लोगों की, और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको रिहाई मिलती नज़र आएगी। कब तक लगता है और क्या करेंगे, आगे का क्या रहेगा? देखिए, हम लोग तो रुकेंगे नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे और इसका जवाब जनता देगी। हर जुल्म का अंत होता है। रावण को भी बहुत अहंकार था ना अपने ऊपर, सबका अहंकार टूटता है। ये जो अन्याय कर रहे हैं वो कभी ना कभी उसका अंत होगा ही, और हम लोग थकने वाले नहीं। जी, अन्याय की बात की जा रही है यहाँ पर, लगातार देखा जाए तो न्याय यात्रा पे तो राहुल गांधी भी निकले हुए हैं, तो क्या लगता है कि न्याय दिल्ली की जनता को मिलता नजर आएगा? दिल्ली अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं मिलता नजर आ रहा मैडम, क्योंकि आप ये देखो ना कि ईडी जो कोई आदमी सच्चाई की बात करता है, हमारे सीएम साहब के बारे में बात करता है, तो उसी को जो है ना उसी को ये ईडी के जरिए पकड़ लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर सुनवाई होगी? आप लोगों सुनवाई तो मैडम आपको नहीं लग रहा? यहाँ देखो कितने आदमी आए, जो भी आदमी कोई भी सच्चाई की बात करता है, जो कोई भी सच बात कहने की बात हो, उसको उठा के डिटेन कर लेते हैं, उसको उठा के गाड़ी में ले जाते हैं। तो हम तो बस ये है कि ईश्वर से ऊपर है कि जैसे ईश्वर ठीक करेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना है यहाँ पर कि किस तरीके से लोगों ने राय दी है, और साथ ही साथ आप लोग भी बताएगा कि क्या लगता है, जो लगातार इल्ज़ाम भाजपा पर लगते नज़र आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही लगातार चल रही है, देश में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अब, और क्या इससे फ़ायदा यहाँ पर लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली की सातों सीटों पर क्या अरविंद केजरीवाल को होता नज़र आएगा, या फिर भाजपा एक बार फिर से सातों सीटों पर जीत हासिल करेगी? अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।